नमस्कार, स्वागत है आपका खबर दोपहर के साथ। मैं हूं आसिया। जमशेदपुर में छठ पूजा को लेकर स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने अहम बैठक की, जिसमें उपायुक्त समेत जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों और विभिन्न कंपनियों के अधिकारी भी शामिल हुए। तो सरकार ने गाइडलाइंस के साथ घाटों पर छठ पूजा की अनुमति दी है, जिसके बाद अहम बैठक की है मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर में, और जिला अधिकारियों को, कई कंपनी के अधिकारी भी शामिल हैं जिनके अंतर्गत घाट आते हैं, और कई इन्हें दिशा निर्देश भी दिया गया है। मामले पर सहयोगी प्रभात जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। प्रभात, आज मंत्री बन्ना गुप्ता ने बैठक की है, छठ को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ इस बैठक में चर्चा हुई? बिल्कुल, देखिए आज बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और जिले के उपायुक्त और तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके साथ साथ जो कॉर्पोरेट घराने के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं, जो सरकार के द्वारा जो नई गाइडलाइन है उसे कैसे साक्षर पालन कराया जाए, छठ व्रतधारियों जो नदी घाटों पे आएंगे उसकी सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था पर भी बात कही है कि ट्रैफिक अमूमन छठ पूजा में थोड़ी ज्यादा होती है, इसको कैसे दुरुस्त किया जाए। और छठ घाटों में कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ उपद्रवी लोग जो हैं वो छठ घाट पहुंचकर महिलाओं के साथ में जो सामान की छिनतई करते हैं, तो ऐसे चीजों पर रोक लगाने को लेकर बन्ना गुप्ता ने जो वरीय पुलिस अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिया है कि सादे लिबास में इस बार जो हरी सभी छठ घाटों पर पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी, ताकि जो छठ व्रतधारी जो नदी तटों पर पहुंचे उनके साथ किसी तरह का कोई बात ना हो। और जो सरकार के द्वारा जो नई गाइडलाइन है कि आपको मास्क लगाना है और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि सामाजिक दूरी बनाकर इसको पालन कराना है, इसको लेकर भी उन्होंने कई पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है कि इसको पालन करा लो। और उन्होंने ये भी अपील किया है कि जो छठ व्रतधारी अगर घर पे अपनी पूजा करे तो ज्यादा बेहतर होगा, हालांकि सरकार ने परमिशन तो दे दिया है नदी या तालाबों में पूजा करने को लेकर, लेकिन इन सारी बातों को लेकर अभी चर्चा चली रही है। और उन्होंने कहा है कि लोक आस्था का महापर्व है, इसे हमें किस तरीके से स्वच्छता और आस्था का बहुत बड़ा महान पर्व है, इसे भी किस तरीके से संपन्न कराया जाए शांतिपूर्ण, इसको लेकर अभी बैठक चली रही है। जी अशय, चलिए शुक्रिया प्रभात इस तमाम जानकारी के लिए। तो बैठक अभी चल रही है, कई तरह की तैयारियों पर चर्चा की जा रही है, किस तरह घाटों पर सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे, ट्रैफिक व्यवस्था क्या होगी, कई मुद्दों पर बातचीत चल रही है।